हेलो दोस्तों, मैं वसीम पठान आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे दाल के विषय पर, क्या हमारे राशन कार्ड पर दाल मिलेंगी या नहीं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम माँ फूड की वेबसाइट पर है और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देने वाला हूँ। तो दोस्तों हम आ जाते हैं इसकी वेबसाइट पर और RC डिटेल्स में हम चेक करते हैं कि हमारे राशन कार्ड पर दाल मिलने वाली है या नहीं। तो हम यहाँ पर अपने राशन कार्ड का 12 डिजिट का डिजिटल नंबर यानी कि SRC नंबर डालेंगे और यहाँ पर सबमिट करेंगे तो हमको बताएगा कि हमारे राशन कार्ड पर क्या क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पूरे फैमिली मेंबर के नाम भी शो कर रहा है और अपने राशन कार्ड पर कौन कौन सी खाने पीने की चीज़ें मिल सकती है, यानी कि चावल, गेहूँ, केरोसिन, तुअर दाल, उड़द दाल, चना दाल, जो कुछ भी मिलने वाला है यहाँ पर शो कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर तुअर दाल है 1 किलो, चना दाल है और उड़द दाल है। इस तरह से दोस्तों सारी चीज़ें यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। यहाँ से हमने चेक कर लिया यानी कि हमारे राशन कार्ड पर दाल मिलेंगी। अब हमने वेबसाइट पे तो देख लिया लेकिन ये क्या कीमत पर मिलेंगी, इसका रेट क्या होगा, हमको यहाँ से पता होगा। पॉलिसी एंड प्राइस के बटन पर आना है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का पेज आएगा और सारी डिटेल्स, सारे चीज़ों के रेट खुल जाएंगे। तो हम यहाँ से इसका रेट देखते हैं और ये रेट दोस्तों जब हम थंब रखते हैं राशन दुकान की मशीन पर तो वहाँ से जो स्लिप निकलती है उस पर भी ये रेट दिखाता है, यानी कि दुकान से स्लिप लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्लिप लेंगे तो रेट और क्वांटिटी सारी उस स्लिप पर बताती है, लेकिन हम ये ऑनलाइन चेक करके बता रहे हैं। यहाँ पर सारी डिटेल्स खुल रही है, क्या कौन सी चीज़ का कितना रेट है। अब हमने रेट पता कर लिया। अब इस दाल के बारे में हम शासन का निर्णय देखते हैं कि शासन का निर्णय क्या है। तो ये शासन निर्णय कॉपी है, ये GR की कॉपी है। यहाँ से हम देख सकते हैं शासन का निर्णय क्या है। यहाँ पर दाल के लिए जो शासन ने निर्णय लिया है, ये निर्णय का आपके सामने डेस्कटॉप पर शो कर रहा है शासन निर्णय, आप यहां से उसको देख सकते हो। तो दोस्तों हमने रेट भी चेक कर लिया और अपने राशन कार्ड को भी चेक कर लिया। अब हम यहां से आते हैं तो निर्णय भी देख लिया। अब इसके बावजूद राशन दुकान पे अगर हमको नहीं मिलता है तो हमको कंप्लेंट करना चाहिए। तो कंप्लेंट फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। कंप्लेंट फॉर्मेट बहुत ईजी बना है, नाम पता लिखना है, दुकान नंबर लिखना है और नीचे सिग्नेचर करके उसको, आप अगर शहरी विभाग में रहते हो तो सिड्डा वाटप अधिकारी को देना है और अगर से आप ग्रामीण एरिया में रहते हो तो आपको तहसीलदार को देना है। तो तहसीलदार के लिए मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया लेकिन आप इसी फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे सिड्डा वाटप अधिकारी लिखा हुआ है वहाँ आपको रिमूव कर देना है सिड्डा वाटप अधिकारी को और तहसीलदार लिख के वहाँ पर दे देना है। थैंक यू दोस्तों।